कितनी खतरनाक रिवर है ये। इसे आप देख सकते हैं कुछ पोज इस तरीके से। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विपिन की दुनिया ब्लॉग्स। तो गाइज आज मैं और नागेंद्र भाई जा रहे हैं वो जागेश्वर बागेश्वर अल्मोड़ा इसी साइड का प्लान किया है। तो गाइज आज जो है हमारा स्टे होगा बागेश्वर में, बाकी ले चलते हैं आपको। तो भैया हम पहुंच गए हैं लाल कुआं वाले रोड पे, और लाल कुआं से जो आपका भल्दवानी रह जाता है वो जस्ट 10 मिनट to 15 मिनट के डिस्टेंस पे सामने भद्दे भद्दे पहाड़ आपको देखते होंगे। बस इधरी से हमको जाना है और कोशिश करेंगे आज हल्द्वानी से निकल के सीधे पहुंचेंगे रानीखेत होते हुए आपका। हमको जाना है मुनस्यारी, मुनस्यारी के बाद स्टे होगा हमारा बैजनाथ में। तो गाइस बैजनाथ में क्या क्या देखने की अच्छी चीज़ें हैं आप पूरी सीरीज का मज़ा ले पाएंगे। तो लो भैया पहुँचने वाले हैं आपका रानीखेत की साइड। अभी एक्चुअली रानीखेत थोड़ा सा दूर है, अभी हम लोग हल्द्वानी से निकल चुके हैं और अभी हम रानीखेत वाले रोड पे अब पहुंचने वाले हैं। गाइस सामने का व्यू आपको देख सकते हैं आप, कितना यार प्यारा व्यूज़ है। काफ़ी टाइम के बाद इधर आना होता है, हरियाली हरियाली है इस टाइम जिस टाइम अभी हम आए हुए हैं गाइस। और अभी कोशिश है कि पूरा उत्तराखंड तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, बट जितने से ज़्यादा हमसे हो पाएगा वो एक्सप्लोर करके आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं जो अभी पिछली बारिश हुई थी गाइस, पिछली बारिश में जो टूट फूट हुई है और जो आपदा ने तबाही मचाई है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का काम चल रहा है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है उत्तराखंड में। बिकॉज ये हाईवे नेशनल हाईवे है, अगर इसको ज़्यादा टाइम तक यार बंद रखेंगे तब भी दिक्कत होने वाली है, ट्रैफिक जैम होने वाला है। तो इस जैम से बचने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कभी भी वर्क को रुकने नहीं देती है, कंटिन्यू करती रहती है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रानीबाग से थोड़ा सा आगे की साइड, और रास्ते का आप इंजॉयमेंट लीजिए और देखिए यार कितने अच्छे व्यू हैं। बाकी मैं अपने शब्दों में क्या ही व्यक्त कर सकता हूँ, ये तो आपको देख के ही पता चलता होगा, या फिर जो बंदे वहाँ पे आज जाते होंगे उनको फील होता होगा रियल में क्या वाइब मिलती है, क्या नेचुरल ब्यूटी का एंजॉयमेंट मिलता है। और सामने से जो आप देख सकते हैं यार इतना हैवी जो है इन्होंने रोड डिज़ाइन किया है, काफ़ी चौड़ा रोड है ये भीमताल वाला, और यहाँ पर आराम से दो बसें आमने सामने से जो है वो निकल सकती हैं। और इधर से आप देख सकते हैं पूरा वैली व्यू मिल रहा है इस वीडियो में यार देखने को, तो ऐसे व्यूज़ कम ही मिलते हैं। और मेरी कोशिश तो यार यही रहती है कि ग्राउंड लेवल से आपको जो है वो एकदम बेसिक ब्लॉग में आपको दूं, ताकि कोई भी एडिटिंग ना हो, कोई भी कुछ भी ना हो, आप जो नेचुरल ब्यूटी है यार उसका मज़ा आराम से ले पाओ। बिकॉज मैं जो ब्लॉग करता हूँ गाइज मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ तो अपनी बाइक से ही करूँ, बिकॉज बाइक में क्या होता है ना कि आप कहीं भी रुक के आप पोज ले सकते हैं, आप ब्यूटी को आप देख सकते हैं, थोड़ी देर खड़े होके वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी यार जो वाइब होती है, जो फीलिंग होती है वो तो आप समझ सकते हैं यार, जो नेचर लवर होते हैं वो ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी आप लोग देख के इंजॉय ले सकते हैं यार इस ब्यूटी का। और अगर अभी तक आप पहाड़ों में घूमने के लिए नहीं गए हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप साल में एक दो बार पहाड़ों पे घूमने के लिए ज़रूर जाएं, बिकॉज ये एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि बंदे को अपनी तरफ खींचता है हर साल। जब मैंने स्टार्टिंग किया था ब्लॉगिंग का तो एक्चुअली क्या था, मैं कभी भी इधर पहाड़ों की साइड घूमने के लिए नहीं आता, प्लेन में मैं एक दो ब्लॉग डाल दिया करता था टाइम टू टाइम। और उसके बाद जब मैंने आना स्टार्ट किया तो यार एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया पहाड़ों के साथ कि मुझे लगता है यार कि मैं हर वीक हर मंथ यहाँ पर घूमने के लिए आऊँ। तो अभी मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ वो है भीमताल की लेक, और साइड में लेक चल रही है। ये लेक गाइस बहुत ही लंबी लेक है, आप देख सकते हैं साइड में इस लेक के बराबर में इस पार जो है वो पूरी लाइन से रिजॉर्ट बने हुए हैं। अगर किसी को स्टे का मन करता हो यार यहाँ पे तो आप वॉक इन भी आ सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन नहीं भी करवाते हैं, अगर उस टाइम पे फुल रहता है, तो भीमताल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। और अगर भीमताल में अगर नहीं भी मिलता है इन केस आपको कोई भी रूम, तो आप आगे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भवाली एक सिटी पड़ती है, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे रूमों की कोई कमी नहीं होती है, ईज़िली आपको रूम मिल जाता है गाइज़।
इधर देख सकते हैं आप, पूरी लाइन से जो है आपको किनारे किनारे लेक चलती हुई नज़र आएगी। और ये जो लेक है ये काफ़ी आगे तक गई है, ये कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लेक है। मैं जिस साइड चल रहा हूँ ये लोकल रोड है इस लेक का, और जिस हाईवे से मैं आ रहा था गाइस वो हाईवे लेक के जस्ट उस तरफ है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू जो है, ये नौकुचिया, यहाँ जो भीमताल है, भीमताल से जो रास्ते कटे हुए हैं, नौकुचिया ताल के लिए आप जा सकते हैं, यहाँ से 7 ताल के लिए भी यहाँ से जा सकते हैं गाइस। और भी एक दो जगह हैं, जैसे यहाँ से भवाली के लिए तो जो नेशनल हाईवे है वो जा ही रहा है, भवाली से जो रूट डाइवर्ट हुए हैं वो जगह जगह के लिए रूट डाइवर्ट हुए हैं, जैसे कि आप सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग वगैरह जा सकते हैं, अल्मोड़ा के लिए निकल सकते हैं गाइस, रामगढ़ और इधर मुक्तेश्वर की साइड जा सकते हैं, तो काफ़ी जगह आप नैनीताल की साइड जा सकते हैं, तो भवाली से आप काफ़ी जगह जा सकते हैं, बिकॉज़ भवाली को जंक्शन कहा जाता है पहाड़ों का, और वहाँ से हर रूट के लिए आपको सवारी उपलब्ध होती है। अगर आप अपनी बाइक या कार से आ रहे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बिकॉज़ हर तरफ के जो रोड है काफ़ी चौड़े रोड हैं, आप इजीली अपनी बाइक या कार ड्राइव करके ले जा सकते हैं। तो मैं जो आता हूँ गाइज़, मैं तो अपनी बाइक से ही आता हूँ गाइज़। मेरे चैनल पे जो पिछले टाइम, जो कुछ टाइम पहले ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा था बिकॉज़ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, तो अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डेली ब्लॉग दे पाऊँ, अगर डेली पॉसिबल नहीं भी हो पाता है तो 1-2 दिन गैप देके आपको वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अगर कोई भी भाई चैनल को अभी तक अगर देख रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से यार मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। तो अभी इस मानसून जो है मेरा प्लान होने वाला है कि मैं कैंपिंग मानसून इन्जॉय करूँ, और आपको भी जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस होता है आपके साथ भी गाइस शेयर करूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है यार कि अगर मेरा कोई भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है, किसी को फ़ायदा मिल रहा है और उस एक्सपीरियंस से, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करना बहुत अच्छी बात है, कि आपके एक एक्सपीरियंस से बंदा जो है अपना अच्छा टूर प्लान कर सकता है, अपना एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो है वो स्पेंड कर सकता है, और आने वाले टाइम में जो है वो किसी के बताए बिना या किसी के पूछे बिना भी वहाँ पर जा सकता है या फिर लोगों को गाइड कर सकता है। तो अभी यार मैं निकल चुका हूँ भीमताल से थोड़ा सा और आगे की तरफ, और हम लोग बढ़ रहे हैं अब भवाली की साइड। भवाली के सामने का जो नज़ारा है वो आपको रास्ते से देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर रास्ते यार बहुत क्लियर हैं, आप देख सकते हैं, ज़्यादा रोडों की साइड जो है वो गड्ढा गड्ढी नहीं मिलेगी आपको, बहुत स्मूथ रास्ते हैं। अभी भवाली के बाद जो है थोड़ा सा रास्ता ख़राब मिलेगा, बिकॉज़ यार उधर की साइड क्या हुआ था कि अभी जो आपदा आई थी उस टाइम पहले, उस आपदा ने एकदम रोडों की हालत बेकार कर दी थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पैचेस ख़राब हैं। अभी इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, भवाली तक तो स्मूथ रास्ता है, ईज़िली बाइक चलेगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है गाइस। बाकी यार आप देख सकते हैं कि अभी जो है हम लोग बिल्कुल नज़दीक हैं भवाली के, और भवाली हम लोग 5-10 मिनट्स में जो है वो पहुंच जाएंगे। और आप लोगों से यार बस यही कहूंगा कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन यार मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, और उसके लिए मैं सभी को तहे दिल से थैंक्स भी कहूंगा, और चैनल पर मैं वीडियो जारी रखूँगा। तो गाइज़ आप बने रहिए विपिन की दुनिया के साथ, और इन्जॉय करते रहिए मेरे इस प्यारे से ब्लॉग को, और मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी के, अच्छी अच्छी जगह के ब्लॉग मैं अपनी वीडियोस के थ्रू दे